हेलो वेलकम टू एंड ये आई एम बैक विद अ न्यू लेसन लेसन दिस इज आपका ऑफ चैप्टर एन सी आर टी चल रही है हिस्ट्री की जिसके अंदर हमने पहले स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन द राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप अब हम देखेंगे इसका पहला पार्ट द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन थोड़ा डिटेल में यहाँ पर एक डिस्क्लेमर दे दू आ, आ, एक कॉपी पेन लेकर के बैठे जो मैं बताऊंगा ना वो जरूर लिखना आप आंसर में जरूर इंक्लूड करना आपके ठीक है क्योंकि अब देखना आपके आंसर बनना स्टार्ट करेंगे यहाँ पे और मैं पूछूंगा भी जो आपसे क्वेश्चन आपको आंसर करना पड़ेगा वो राइट सीधे आंसर दूंगा यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं ठीक है तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बिना तो यूरोपियन हिस्ट्री का कोई वजूद ही नहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्रेंच हिस्ट्री uh, का और नेशनलिज्म का तो हंड्रेड राइट सो फ्रेंच रेवोल्यूशन और नेशन का आइडिया क्या है बेसिकली मैंने कॉपी पेन लेने के लिए इसलिए कहा क्योंकि अब जो मैं बताने वाला हूँ ना वो सब इसके अंदर नहीं लिखा हालांकि इसके अंदर ही हमारा मेन फोकस है बट येस एज अ रिफ्रेंस जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो आपको जरूर पता होने चाहिए है ना सो यस स्टार्ट करते हैं देखो एक दस साल का पीरियड था बेसिकली ये सेवनटीन एटी नाइन से लेकर के तक जिसने एक बहुत वाइड रेंजिंग चेंज किए पॉलिटिकल सोशल एंड ह्यूज इंपैक्ट हुआ था मॉडर्न वर्ल्ड पर उस टाइम पे ठीक अब ये रेवोल्यूशन ने क्या किया देखो बहुत ही ईजी वे में बता रहा हूँ समझना इन्होंने मोनार्की ज्योति स्टेट के अंदर उसको अबोलिश uh, कर दिया इन्होंने फ्रांस को रिपब्लिक बना दिया रिपब्लिक द रूल ऑफ द पीपल है ना गणतंत्र बना दिया लेकिन एंड में हुआ क्या नेपोलियन आ गया और नेपोलियन कौन था भाई आपको पता है द ग्रेट वॉरियर यस एंड ही वॉज द डिक्टेटर ही वॉज द डिक्टेटर ऑफ द फ्रेंच फ्रेंस ठीक है सो so, यस yes, और आपको पता है उस टाइम पे फिर ये एटीन सेवनटीन नाइनटीज की बात है इंडिया में कौन थे टीपू सुल्तान ही वॉज एक्चुअली कम्युनिकेट विद नेपोलियन एंड यस यहाँ पर जो एंग्लो मैसोर वो है वो भी चल रहे थे इंडिया के अंदर जो कि हम इंडियन स्ट्रीम पढ़ेंगे आंसर कैसे लिखोगे लिखो आप आ, अभी हम समझना स्टार्ट करेंगे लेकिन इसके पहले थोड़ा सा ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग आपको दे दूँ मैं कि आ, यहाँ पर सबसे पहले आएंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ क्यों भाई है ना सो इट इज एक्चुअली पॉलिटिकल रीज़न थे उसके कुछ और फिर सोशल रीजन्स फिर इकोनॉमिक रीजन्स देन इंटेलेक्चुअल कोर्सिज कह रहे तो ये सब बातें हम आपको बताएंगे इसलिए कॉपी पेन लेने की बोल रहा हूँ जैसे जैसे बोलता जा रहा हूँ आपको वो मैंशन करते जाना है अपने नोट्स के अंदर अब जो मैंने बताया आपको वही लिखा है फर्स्ट पैराग्राफ में कि 17, 19, 89 में ये फुल स्टेट स्टेट बना एक एब्सोल्यूट मना की थी उससे पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुए कौन बना आ, आपके पीपल फ्रेंच सिटीजन उनका रूल आया रेवोल्यूशन हम बोलते हैं सो दिस रेवोल्यूशन रिक्लेम्ड प्रो क्लाइम एक्चुअली नेशन के लिए इस्तेमाल करता हूँ बेसिकली इट इज अंसेप्ट ऑफ सोशल एंड लिविंग ठीक है यह मैं इस्तेमाल करता हूँ स्टेट के लिए मैं करता हूँ ये एक पोलिटिकल कॉन्सेप्ट है ठीक है इट इज अ पोलिटिकल कॉन्सेप्ट एंड कंट्री कंट्री इज बेसिकली रिलेटेड टू द बाउंड्रीज टेरिटरी ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट ठीक है तो मैं इस तरीके से बताता हूँ आपको फुल डिटेल देखेंगे फिलहाल एनसीआर को फॉलो करते हैं अब देखो यहाँ पर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थे ना फ्रेंच रेवोल्यूशन बिकॉज यू दे ऑल वर एक्चुअली मोटिवेटेड बाई द इनलाइटनमेंट थ्योरी और इनलाइटनमेंट uh, जो उस टाइम पे uh, हम कहते हैं कि क्या आइडिया बहुत प्रभावित थे सो so, वो बहुत पहले से ये जरूर ट्राई कर रहे थे कि किस तरीके से हम लोगों के बीच में कलेक्टिव आइडेंटिटी बनाए कलेक्टिव आइडेंटिटी कैसे बनती है कलेक्टिव आई, कलेक्टिव आइडेंटिटी पीपल के अंदर कैसे लाएं हम इंडिया के अंदर ये इनहेरेंट है हमेशा से है, पिछले पाँच हज़ार साल तक और हमेशा से आगे रहेगी भी सही इसमें क्या है आपको लिटरेचर बांधेगा आपको यहाँ पर सॉन्ग्स बांधेंगे वो कुछ भी हो सकती है नेशनलिज्म इज द फोर्स बिहाइंड दी कलेक्टिव आइडेंटिटी जो कि एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी प्रेजेंट करेगा है ना अब इन इन्होंने इसके लिए एक आइडिया ऑफ लापात्र एंड दियन मेरी uh, फ्रेंच इतनी अच्छी नहीं है ठीक है लेकिन फिर भी इसका मतलब है जैसे कि द फादर लैंड एंड द सिटीजन ये वाले जो आइडियाज थे इन्होंने uh, एक यूनाइटेड कम, कम्युनिटी का नोशन प्रेजेंट किया जो कि इसके अंदर ये बताते हैं कि हमको इक्वल राइट्स हर किसी को मिलेगा अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन होगा इन्होंने एक नया uh, फ्रेंच फ्लैग लेकर के आए है ना ट्राई कलर फ्रेंच फ्लैग विच वॉज चूजन टू रिप्लेस दमल रॉयल स्टैंडर्ड जो कि मन्ार्की का एक सिम्बॉल था

ये समझो सबसे पहले तीन स्टेट उस टाइम की जो हम सोशली अगर हम देखें देखो जो तीन स्टेट्स थे आगे आएंगे जो तीन स्टेट्स थे उसमें पहला एक स्टेट था वो था क्लर्जी और जो आपके चर्चेज़ हैं ठीक है जैसे कि बिशप्स हुए फादर हुए ये पूरी पॉपुलेशन का एक लाख थे मतलब यानी कि आप एक लाख लोग थे टोटल में से जो कि और दस परसेंट जो है लैंड ओन करते थे सेकंड सेकेंड आता है सेकेंड स्टेट आते हैं आपके जो नोबिलिटी है जो नोबिलिटी है उनके पास ऑफकोर्स ये जो चार लाख ,00 से ज़्यादा की संख्या में थे और पच्चीस परसेंट से ज़्यादा इनके पास लैंड थी फाइनल आता है आपके थर्ड एस्टेट थर्ड एस्टेट जो है उन वो बेसिकली कौन है आपके जो जनरल पीपल हैं फार्मर्स हैं आर्टिस हैं है ना और वर्कर्स हैं ट्रेडर्स हैं लॉयर्स हैं ये सब मेजर ऑफ द पॉपुलेशन थे यानी कि ये करोड़ों में थे अराउंड थ्री करोड़ ठीक है

इसको हटा करके नेशनल असेंबली बना दी गई रीनेमड एज ए नेशनल असेंबली अब इसकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है सुनने से आगे आपके आएगी है ठीक है फिर हम क्विक रीडिंग वहां से ले लेंगे ताकि आपका रिविजन भी हो जाएगा साथ में राइट देखो अभी एक क्या हुआ था एक डेडलॉक हुआ था ऑन द वेरियस वोटिंग वोटिंग राइट को लेकर के क्योंकि इन्होंने क्या वोटिंग राइट right दे देते uh, जो नया सिस्टम था मोनाखी के अकॉर्डिंग की जो आपके फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट है उनको एक एक वोट मिलेंगे और जो आपका फाइनल स्टेट है उसको तीनों के एक एक वोट मिलेंगे और अगर हम देखते हैं कि थ्री हंड्रेड थ्री हंड्रेड एंड सिक्स हंड्रेड ये इनकी बेसिकली वहाँ पर डेंसिटी ऑफ द पीपल थी क्योंकि इतने लोग फर्स्ट स्टेट सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट से ये रिप्रेजेंटेटर्व थे उनके सो अगर इस तरीके से वोटिंग कराएंगे सबकी वन वोट वन वैल्यू होगी तो यहाँ पर ये मेजोरिटी में रहेंगे ठीक है so, सो इन्होंने क्या करा कि पहले वन वोट तीनों को एक एक वोट दे दिए तो हमेशा पल्ला भारी किसका था दोनों स्टेट्स का स्टार्टिंग है सो so, यहाँ पर ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ और थर्ड स्टेट ने अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर लिया अब यहाँ पर जो लुइस सिक्सटीन लुइस द सिक्सटीन जिनको बोलते हैं ही वॉज एक्चुअली द इडियट तो उन्होंने क्या किया नेशनल असेंबली को मेन हॉल में आने से ही रोक दिया वहाँ पर बंद कर दिया उनको टोटली तो उस टाइम पे इन लोगों ने क्या किया था थर्ड स्टेट के लोगों ने जो रिप्रेजेंटेटर थे वो टेनिस कोर्ट में जाकर के उन्होंने ओत ली थी जिसको हम टेनिस कोर्ट ओथ बोलते हैं टेनिस कोर्ट ओथ आगे आएगी ठीक है और उन्होंने फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात करी से की ओरिजिनल हम कहते हैं कि स्टार्ट हुई ठीक है स्टार्टिंग हुई फर्स्ट एंड स्टेट मेंबर्स रखना कुछ लोग आए थे उसके बाद जैसे कि कुछ यूनिफॉर्म लॉज हुए ठीक कुछ लॉज ऐसे हों यूनिफॉर्म जो कि हर सिटीजन के ऊपर सिस्टम बने तो इस तरीके की फीलिंग्स थी लोगों के अंदर और इस तरीके की वहाँ पर चेंजेस हो रहे थे सोशली एंड पोलिटिकली पोलिटिकली राइट रीजनली रीजनल डायलैक्ट थे फ्रेंच के बट फ्रेंच एक बाइंडिंग uh, लैंग्वेज और कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन यहाँ पर निकल कर आ रही थी एंड रेवोल्यूशनरीज जो थे उन्होंने uh, एक मिशन डिक्लेयर किया कि किस तरीके से डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन क्या है कि हम वो यूरोप के लोगों को लिबरेट uh, करना है किन से ये जो डेस्पोर्ट पीपल यहाँ पर गद्दी लगा करके जमा करके अपने पैर बैठे हैं ना इनको खोड़ना है भी हमको तो इस तरीके की बातें पर लगी ठीक है तो ये कहते हैं कि हमको पहले नेशन बनना है एंड अदर लोगों की जो पीपल हैं पूरे यूरोप में उन सबकी मदद करनी है तो ये इनका आइडिया था अब देखो क्योंकि अब इतनी बड़ी बात होने लगी इतने अच्छे विचार इतनी ज्यादा नेशनल असेंबली बन में अब यहां पर क्या होता है कि जो अदर सिटीज हैं यूरोप की और कंट्रीज की कंट्रीज तो हम कह नहीं सकते लेकिन सिटीज हम कह सकते हैं दूसरे अंपायर की यूरोप में वहाँ पर बातें फैलने लगी वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे और जो एडुकेटेड मिडिल क्लास थे लॉयर्स थे डॉक्टर्स थे कोई भी प्रोफेशनल्स तो उन सब ने एक क्या किया बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर थे जैकोबिन क्लब बना लिया जबरदस्त ग्रुप था जैकोबिन क्लब ठीक है आगे जा करके पता चलेगा आपको क्या हुआ इसके साथ उनकी जो एक्टिविटीज इन कैंपेन थी वो फ्रेंच आर्मी को आगे जाकर के उन्होंने मदद की जो कि बाद में हॉलैंड गई बेल्जियम गए स्विट्जरलैंड और इटली भी सेवेंटीन में विद द विद्रेक ऑफ द रेवल्यूशनी वॉर्स द फ्रेंच आर्मीज बिगैन टू कैरी द आइडिया ऑफ द नेशनलिज्म अब्रॉड यानी कि हम यहाँ पर तो लेकर के आएंगे इसी बट अदर नेशंस और अदर पार्ट ऑफ द यूरोप भी जरूरी हम जो है नेशनलिज्म को स्प्रेड करेंगे अब ये एक बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पेंटिंग है कवर है uh, इसको हम बोलते हैं द कवर ऑफ द जर्मन आलमानाक डिज़ाइन बाय द जर्नलिस्ट एंड्रियास रेबम सुनना इसको ध्यान से इसकी मत करना बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ एक इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था यहाँ पर Uh, एक डेट याद रखो चौदह जुलाई सेवन चौदह हुआ क्या था? यहां, इसको हम बोलते है, बेस्ट्राइल, बेस्ट्राइल एक था, फ्रांस में, अब ये क्या करती थी सरकार, के सरकार जो थी उसको प्रिजन के तौर पर लेती थी जो भी कुछ रिव्यून करने की कोशिश करेगा उसको पटक के डाल देते थे उसके अंदर ठीक है अब ये क्या सिंबल कर रहा था क्योंकि उस टाइम पर कुछ था नहीं क्योंकि बहुत से लोग थे वो जब इस पर अटैक हुआ स्टॉम हुआ आ, लोगों ने अटैक किया रेवोल्यूशन के टाइम पे तो वहाँ से हर प्रिजन को छुड़ा दिया गया लेकिन ज़्यादा नहीं थे उस टाइम पे प्रिजन वहाँ पर और ये सिंबलाइज किसको करता था इट सिंबलाइज द रॉयल ऑपरेशन कि ये है बेसिकली वेस्टाइल का फोर्ट अब यहाँ पर क्या होता था कि किसको सिंबलाइज कर रहा है इसमें रॉयल ऑपरेशन को किस तरीके से मोनार्किकल एप्सोल्यूटी सरकार हम पे जुल्म कर रही है फ्रेंच पीपल पर ठीक है तो वेस्टाइल के प्रिजन को लूट लिया एक्चुअली और यहाँ पर राइट हुए काफी ज्यादा इसको इतना तोड़ा इसको इतना तोड़ा उसकी ईटे ले जा करके बाजार में एक्चुअली बेच दी गई उस टाइम पर ठीक है क्योंकि हथियार तो इतने मिले नहीं थे आज भी आज भी दिन तक जो है बिस्टाइल की डे बनाया जाता है वहाँ पर उसी अब यहाँ पर इस पेंटिंग की अगर हम बात करें तो ये जो पेंटिंग आपको यहाँ पर दिख रही है ये एक्चुअली सिमिलर टू इसी के एम को रिप्रेजेंट कर रहा है उसी चीज को सिम्बलाइज कर रहा है जिस तरीके से यहाँ पर फ्रेंच में होता है जर्मन की है, क्या बोलते हैं फोर्ट्रेस है ठीक है कहाँ पर कैसल कैसल ये आपका जर्मन प्रोविंस है जो एक डेस्पोटिक रूल जो था जर्मन जर्मनी में उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है सो इस तरीके से और इसके अंदर एक स्लोगन भी आ, है कि किस तरीके से द पीपल मस्ट सीज देयर ओन फ्रीडम ये यहाँ पर बेसिकली फ्रेज लिखा हुआ स्लोगन लिखा हुआ है अब यहाँ पर जो एन सी बुक है वो बेसिकली जम्प करती है सीधा डायरेक्टली टू द रूल ऑफ द आपके नेपोलियन अब इसके पहले भी बहुत सी चीज़ें हुई ठीक है डिटेल में बताऊंगा जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे फिलहाल आप इतना जान लो जो मैं बता रहा हूँ वो लिख लो कि उसके बाद यहाँ पर राइट्स ऑफ द मैन एंड सिटीजन ऑफ अट राइट ऑफ अ मैन एंड अ सिटीजन की यहाँ पर जो डिक्लेरेशन हुआ ठीक है एज अ प्रियाम्बल प्रियाम्बल के तौर पर जिसको मैगना कार्टा बोलते हैं है ना एंड उसके अलावा यहाँ पर वुमेंस का मार्च हुआ था वर्साइल्स में कि वहाँ का जो राजा है वो तो बड़ा अच्छी कंडीशंस में है बट फूड शॉर्टेजेज हो रही है लोगों के बीच में इस तरीके से तो वहाँ पर वुमेन जो होती है वहाँ की उस टाइम पे धावा बोल दिया था वहाँ पर ठीक है उसके बाद जेकोबिन्स क्लब आता है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया ये बेसिकली पोअर क्लास और आर्टिश थे जो कि रेवोल्यूशन में पार्ट लिया उन्होंने है ना और इनका यस लीडर था मैक्सिमिलियन दी रोबेस्पियर आप सबको पता है है ना उसके बाद आप आते हैं कि किस तरीके से द वॉर ऑफ़ द फर्स्ट क्वालिशन हुआ फर्स्ट क्वालिशन के बाद द फर्स्ट नेशनल कन्वे आया नेशनल कन्वे के बाद द डायरेक्टरी बनी डायरेक्टरी के बाद आती कॉन्सुलेट एंड फिर जो है आपके नेपोलियन फर्स्ट कॉन्सुलेट बनता है सो so, यहाँ पर हम बात करें तो नेपोलियन ने बहुत से रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए फ्रांस में और हाँ हालांकि इसने मोनाकी को ही वापस लेके आया डिक्टेटरशेप हम बोल सकते हैं डेमोक्रेसी तो ख़त्म कर दी फ्रांस के अंदर लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड के अंदर हम देखें तो ही वॉज अ वेरी वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर एंड अ गुड फाइटर अच्छा जनरल था ये ठीक uh, uh, है एंड इन्होंने रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स बनाए काफ़ी ज़्यादा इंट्रोड्यूस किए वहाँ पर बहुत रैशनल और एफिशियंट थे काम किए उसमें से एक है सिविल कोड ऑफ एटीन ओ फोर जिसको हम बोलते हैं नेपोलियनिक कोड जिसने uh, क्योंकि नेपोलियन खुद जो था वो लोअर कास्ट जो था वो लोअर क्लास का था आप तो, आपको तो ये बात पता होना चाहिए और वो बड़े घरानों में शादी करता था, था ताकि Yes, आप सब समझते हो बड़े लोगों में उठना बैठना इस तरीके की बात है है ना यस yes. सो so, अब इसमें यह बात है कि इसने वो हर प्रिविलेज को ख़त्म कर दिया जो कि बेस्ड ऑन द बर्थ मिलते हैं ठीक है ठीके? और इक्वालिटी बिफोर द लॉ इन्होंने यहाँ पर स्टेब्लिश कर दी जो कि आज हम ड्राइव करते हैं यहाँ से एंड राइट टू प्रॉपर्टी भी दिया ठीक है दिस कोस्ट वॉज एक्सपोर्टेड टू द रीजन अंडर द फ्रेंच कंट्रोल अब डच रिपब्लिक की अगर बात करें क्योंकि जो नेपोलियन था उन्होंने आसपास के कंट्रीज में उस टाइम पे जो कंट्रीज नहीं थी लेकिन रिपब्लिक्स uh, थे छोटे मोटे नेशन थे नेशन, नेशन स्टेट तो वहाँ पर अटैक किया और उनको अपने कंट्री के अंदर लिया फ्रेंच में फ्रांस में स्विट्जरलैंड इटली जर्मनी नेपोलियन सिम्प्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स एंड अबोलिज द फ्यूडल सिस्टम फ्यूडल सिस्टम खत्म करना बहुत जरूरी था उस टाइम पे एंड फ्रीड पीजेंड फ्रॉम द सर्फडम एंड द मेनोरियल ड्यूज़ जो कि हमेशा से क्योंकि ये अगर हायरली के बंद जाते हैं ना सर्फडम के अंदर और जो आपके फ्यूडल एस्पेक्ट्स हैं वो सब तो उसके अंदर उसको खत्म करा सबसे पहले तो नेपोलियन ने अंदर था सिविल कोड इन द टाउंस इन द टाउन्स टू गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस आर रिमूवड जो गिल्ड गिल्ड के होते हैं ये आपके जो व्यापारी लोग होते हैं व्यापारी वर्ग होते हैं उनका ग्रुप होता है बस और कुछ नहीं तो उनको उनका जो बहुत से रेस्ट्रिक्शंस थे उनको हटा दिया ठीक है खूब अच्छे से ट्रांसपोर्ट करो कम्युनिकेशन सिस्टम को अच्छा करा तभी तो इंडिया में कम्युनिकेट करते थे वेरी वेरी फास्ट ठीक है बहुत तेज़ी से इंडिया में कम्युनिकेट कम्युनिकेट कर लेते थे और अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एज वेल ठीक है पीजे आर्टिसन वर्कर्स एंड न्यू बिजनेस मैन इंजॉय द न्यू फॉन फ्रीडम बिजनेस मैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स जो थे वो गुड्स का बेसिकली बिजनेस करते थे इन परटिकुलर यस बिगेन कैन टू रियलाइज दैट यूनिफॉर्म लो स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड द मेजर्स ये सब चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें और uh, जिन्होंने कॉमन नेशनल करेंसी बना दी uh, जो कि जिसने मूवमेंट को फैसिलिटेट किया था एंड एक्सचेंज ऑफ द गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन अब जब एक जगह से दूसरे गुड्स जाएंगे ना तो लोग भी जाएंगे लोग ट्रेवल करेंगे ना तो विचार फैलेंगे विचार फैलेंगे तो नेशनलिज्म की भावना स्प्रेड होगी कहाँ पर पूरे यूरोप में yes, 100%. या हंड्रेड परसेंट यहाँ तक कि इंडियन इंडिया और द साउथ एश, साउथ एशन और साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की जब हम बात करते हैं हिस्ट्री की तो हम कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस तो हैं ठीक है फ्रेंच से रेवोल्यूशन से अमेरिकन वॉर्स वगैरह ठीक है अब ऐसा नहीं है कि हर चीज़ परफेक्ट थी बिल्कुल नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है अब वहाँ पर क्या होता क्योंकि अब जब नेपोलियन था उसका था एक्सपेंशनरी पॉलिसी थी बेसिकली एक्सपेंड करना है फ्रेंड्स को तो बहुत सी ऐसी जो पॉपुलेशन थी क्योंकि उसको कौन कर करेंगे तो डिफरेंट नेशन स्टेट में जाना पड़ेगा दूसरी जगहों पे जाना पड़ेगा वहाँ पे लोग अलग हैं एथनिसिटी रेस क्लास क्या सब अलग है है ना सो उन लोगों का जो पॉपुलेशन जो पॉपुलेशन थी वहाँ की उनका रिएक्शन बहुत मिक्स था क्योंकि देखो जिस तरीके से हॉलैंड और स्विट्जरलैंड में गए तो वहाँ पर ठीक है और कुछ सिटीज थी जैसे ब्रूसल्स मैंस मिलान वोर्सो तो ये सब थी वहाँ फ्रेंच आर्मी का पहले वेलकम किया गया ठीक है उनको माना गया कि था दे आर द हारबेंजर ऑफ़ द लिबर्टी जो हम यहाँ पर क्रूज जो हमको यहाँ पर प्रोसिक्यूशन हो रहा है हमारा इतना आई मीन ठीक है प्रोसिक्यूशन हो रहा है तो हमको लिबर्टी प्रोवाइड करेंगे दे आर द हार्बेंजर ऑफ द लिबर्टी बट फिर इस इसके बाद, बाद में हॉस्टिलिटी बढ़ती चली गई सेना की भी बढ़ती चली गई और लोगों का रिएक्शन भी नेगेटिव होता चले गए इनकी तरफ ठीक है क्योंकि न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस थे ना वो एक साथ नहीं जा सकते या तो आप पॉलिटिकल फ्रीडम दे लो या फिर आप जो है फ्रीली अपने विचार फैला लो या फिर जिस तरीके की बातें थी उस टाइम पे राइट जैसे कि अब टैक्सेशन बढ़ गया सेंसरशिप बढ़ गई है ना और फोर्स कॉन्सक्रिप्शन होने लगा इन द फ्रेंच आर्मी क्योंकि लोगों को जबरदस्ती आर्मी में डालते थे ठीक है और मैक और यहाँ पर कंपलसरी जो है सर्विस देनी पड़ेगी फ्रेंच आर्मी रिक्वायड कौन करता है रेस्ट ऑफ द यूरोप सारा यूरोप को अंदर लेना चाहते थे सो so, जितने भी एडवांटेजेस इन्होंने किए थे ठीक है सबको आउटवेट कर दिया उनकी इस तरीके के रिस्पॉन्स ने और नेपोलियन कितना ही बड़ा योद्धा क्यों नहीं हो मिलिट्री जनरल क्यों, क्यों ना हो बल्कि ये भी काफी ज्यादा वॉर्स आ रहे थे उस टाइम पर है ना सो so, ये एक चीज़ जो एक पेंटिंग है उस टाइम की रिप्रेजेंट करती है कि आ, किस तरीके से जितने बैटल नेपोलियन हारा तो सबकी उनको रिप्रेजेंट करती है बेसिकली इस तरीके की पेंटिंग अब ये तो जो हमने सिर्फ समझा अब इसके बारे में आप मुझे बताओगे कि इस रेवोल्यूशन ने एक्चुअली में वर्ल्ड लेवल पे क्या चेंजेस किए ठीक है थीके? किस तरीके से इसने वर्ल्ड लेवल पे इसकी लेगेसी क्या है इसको इंपैक्ट कैसे किया फ्रेंच रेवोल्यूशन ने मुझे बताओ इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके कुछ भी पूछ सकते हैं पूछ सकते हैं डिड द रेवोल्यूशन मेक सम एनी चेंजेस इन द फ्रेंच इन द इन द लाइफ ऑफ द फ्रेंच पीपल ऐसा हो सकता है या फिर व्हाट इज द लेगेसी और द इफेक्ट और फ्रेंच रेवल्यूशन ऑन द वर्ल्ड है ना इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप मुझे इसका आंसर दें सेकंड वाले क्वेश्चन का ठीक है आप मुझे लिख दे कमेंट्स में लिख दे या फिर आप जो है टेलीग्राम पर करते हैं ईमेल कर दीजिए ठीक है चेक करके बता दूंगा राइट सो so, जब तक स्टेट एडवर्नाइज नेक्स्ट से देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक